जालम से जी सर रणवीर जी, बहुत कम समय रह गया है मूवी को रिलीज को, कल मूवी रिलीज होने वाली है, तो थोड़ा नर्वसनेस है कि उस मूवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, हर फ्राइडे जब फिल्म लगती है तो नर्वसनेस होती है, चाहे जितना भी टाइम बीत जाए, बिकॉज जो मेहनत की है, जो चॉइसेस की हैं, वो जानने को आदमी बेताब होता है कि ऑडियंस हाउ दे एक्सेप्ट द फिल्म। तो हाँ, थोड़ी बटरफ्लाइज तो हैं, बट एक अच्छी फिल्म है ब्लू माउंटेंस, एक क्लीन फिल्म है, चिल्ड्रंस फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि अब जब समर हॉलीडेज़ के आसपास बहुत सही टाइम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार के साथ आके फिल्म देखेंगे। आपके कोई फ्रेंड है ऐसा, आपने अपने स्पेशल उनके लिए रखा है या मूवी देखी है ये आपके फ्रेंड? हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स तो ऑलरेडी अंदर हैं। नहीं, इसके पहले कल हमने दिल्ली में एक प्रीमियर हुआ है, वहाँ भी थे। तो कैसा रिस्पॉन्स था? हाँ, अभी अच्छा है। मैंने जैसे कहा, यूनिवर्सल फिल्म है, ऐसी फिल्म है जो हर एक को पसंद ही आएगी, उसमें कोई ऐसी नापसंद वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो एनी मेमोरेबल कमेंट मिला है? हाँ, अभी तक यही है कि जो आज जैसे मुझे एक जर्नलिस्ट मिले जिन्होंने प्रेस शो देखा था, तो वो कह रहे थे कि शुरुआत में मेरे कैरेक्टर का लगा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ फिल्म, लेकिन सेकेंड हाफ में उनको समझ में आया, बिकॉज फाइनली जब किक इन करती है स्टोरी और यू नो इमोशंस के जो अलग खेल शुरू होते हैं फिल्म में, तो यहाँ तो अच्छे कमेंट्स मिले। आजकल किड्स की मूवी बहुत कम बनने लगी, तो आपका क्या मानना है कि आजकल मूवी ऐसे ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ चिल्ड्रंस फिल्म बहुत कम बनती हैं हमारे यहाँ, और बननी चाहिए, और मैं खुद जब से पिता बना हूँ तो मेरा तो एक कहते हैं ना, एक इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ गया है ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ, ऐसी स्टोरीज के साथ। तो इस फिल्म के बाद मैं एक और फिल्म कंप्लीट है, चिल्ड्रंस फिल्म टेनिस बॉडीज जो मैंने की है, अब एक और चिल्ड्रंस फिल्म शुरू कर रहा हूँ। तो पिछले 3-4 साल में मैंने ऑलरेडी 3 चिल्ड्रंस फिल्म के साथ में जुड़ चुका हूँ, सो आई होप और भी लोग बच्चों के लिए और बच्चों के सब्जेक्ट बच्चों के नज़रिए से और फिल्में बनाएंगे। ये जो आप नया लोग कोई मूवी के लिए है या इसी? ये आपको कॉपी कर रहा हूँ मैं, बस मेरे थोड़ी सफ़ेद आ रही है प्रॉब्लम, उम्र में बढ़ाऊँ इसलिए। ये लग रही है ब्लू माउंटेंस 7 अप्रैल को, उसके बाद डेथ इन द गंज लगेगी जल्दी, जैसे मैं नहीं डेथ इन द गंज कोंकणा की है, अनसम्बल है इसमें और भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, एक दूसरी मैंने जो चिल्ड्रंस फिल्म करी है टेनिस बॉडी, शायद वो लगे। फिर नील माधव पांडा जी की पिक्चर बहुत बढ़िया फिल्म है ब्लू, अपना कड़वी हवा, इसमें संजय मिश्रा लीड कर रहे हैं और मेरा सपोर्टिंग रोल है, वो भी बहुत बढ़िया फिल्म है, क्वाइट एक्साइटेड। तो हैं कुछ फिल्में हैं जो उम्मीद करता हूँ अगले साल में निकली। मैंने सुना आज, मेरे को एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था, बट मैं यही कहूँगा कि अब विनोद जी इज अ वेरी टफ गाय एंड आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक। थैंक यू सो मच।
बच्चों की फिल्म है आजकल बहुत कम हम देखते हैं बच्चों की फिल्म और फेस्टिवल्स में इसे बहुत पसंद किया है डायरेक्टर हमारे सुमन गांगुली जी बहुत टैलेंटेड हैं बहुत सुंदर फिल्म बनाई है जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये यूनिक ऐसे डायरेक्टर कितना मूवी रिलीज है प्रेशर है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को प्रेशर नहीं है क्योंकि फिल्में ग्रेसी जैसी मतलब एक्ट्रेस काम कर रही हैं तो उनकी कमाल की एक्ट्रेस काम कर रही हैं ग्रेसी जैसी तो इनके फिल्में सारे हिट हुई हैं तो लोगों को पसंद आई है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी and also because it's children's film and it relates to every child today every family aaj jitne bhi hum dekhte hain competition kitna hai bachchon ki zindagi mein aur bahut sare reality shows mein hum dekhte hain ki jisko award milta hai wo to khush hota hai aur jo itne sare talented bacche haar jate hain wo kitni depression mein aa jate hain to ye ek real story hai aur use hum kaise bachchon ko emotional stamina building sikhayein aur unhe failure kya hai uska meaning bataein so that they are confident they are happy and they can you know enjoy the life hum kal delhi mein bhi iski premiere hui thi to bahut hi saraya gaya to kaisa mehsoos kar rahe ho response kaisa tha दिल्ली में बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे आए थे सबको बहुत पसंद आई फिल्म और पेरेंट्स ने कहा ये हमारे लिए एक लेसन है ये बच्चों की फिल्म नहीं है ये पेरेंट्स की और टीचर्स की फिल्म है कि उन्हें ये मैसेज दिया है वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें और उन पर प्रेशर ना डालें और हर बच्चा खास है जो ये कॉम्पिटिशन होते हैं वो टेम्प्रेरी फेज़ है बट उससे हम मायूस होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते इसलिए इसे ब्लू माउंटेन्स टाइटल दिया है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं ऊंचाइयां छूना चाहते हैं नीले आसमान की तरह रमेश ने कहा कि आपको मेनली अप्रिसिएशन बहुत मिली है तो ऐसा कोई यूनिक अप्रिसिएशन आपको मिली है इंडस्ट्री से या फ्रेंड से जी मुझे तो फ्रेंड बहुत सबको मिले पर आपको बहुत मिली है सर का कहना है तो आपको कोई यूनिक मिली है अभी मैं मिलूंगी इन सबसे इनको तो बहुत मिल चुके हैं अवार्ड फंक्शंस पे सभी बच्चों ने पेरेंट्स ने और कल जो प्रीमियर हुआ था उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स वेल आई विल से एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अ चिल्ड्रन फिल्म इट्स अ फिल्म फॉर द मास एंड फॉर द क्लास एज वेल एवरी फैमिली मेंबर शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड दे विल फील क्लोजर व्हेन दे विल फील दिस फिल्म I worked with him in Chodiya in Punjabi film and I've really admired all his films, his work. I would like to pray for his good health and wish him speedy recovery. How was he as a person? He was wonderful, very talented, very inspiring to work with such great actors. And I have been watching his films since childhood.
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ चूड़ियाँ फिल्म में काम करने का. तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ग्रेट एक्टर है, तो माय गुड विशेस एंड प्रेयर्स फॉर हिम. Actually, I joined later. I joined Brahma Kumaris after I completed the film. But how does it feel being spiritual acting, a part of this film, which is again very good for kids? Yes, it is great. I always chose films which has a social message and every family person can relate to all the subjects. So this story also has such a beautiful message because it is today's film, what we see every day in our lives, and especially children. So in the story, I started to listen to the story, I didn't listen to the whole. The moment he said classical singer ka role hai, I said why not classical dance? He immediately agreed. That was the reason I signed the film. And then I heard the story after. Thank you so much. Thank you. Thank you.